स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज आप देख सकते हैं मैं जो प्रॉपर्टी लेके आया हूँ वो मेन रोड से ये देखिए चलता रोड है और इस रोड को हम कहते हैं मुंडका कराला रोड। और एक बात याद रखिए कि ये जो रोड है काफ़ी चलता है, ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। हाँ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ से बस स्टैंड की दूरी मात्र 100 मीटर भी नहीं कह सकते, कुछ कदम की दूरी पर है। देखिए इधर से रोड आ रहा है, ये मुंडका मेट्रो की तरफ से हम आ रहे हैं और यहाँ पे मात्र कुछ कदम की दूरी पे जहाँ पे मैं आपको ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है कि आपकी रानीखेड़ा बस स्टैंड है। तो लोकेशन के हिसाब से आज का जो मैं आपको प्लॉट दिखाने वाला हूँ वो मेन रोड से और बस स्टैंड से बहुत ही पास है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक 48 गज के प्लॉट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से हम चलेंगे सीधा इस रोड पे अंदर की तरफ, ठीक है, जहाँ ये बच्चे आ रहे हैं ना, जहाँ एक कार खड़ी है, समझ लीजिए प्लॉट वहीं पे है बिल्कुल, जहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों के पीछे वैगनार खड़ी है, मान लीजिए वहीं पर प्लॉट है, ठीक है। और हम अभी कहाँ हैं, हम अभी हैं मेन रोड पर। देखिए तो मेन रोड पर आप देख सकते हो यहाँ सामने जो है जहाँ पर टेम्पो खड़ा है ना ट्रक वाला, वहाँ पर बस स्टैंड है, उसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, आप देखो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी है। आप खुद पहले आके प्लॉट पे जाना चाहें तो आके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारा ही प्लॉट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आराम से आइए, प्लॉट देखिए, समझ में आए तो लीजिए, ना तो कोई बात नहीं। चलिए प्लॉट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने प्लॉट पे। प्लॉट की गली है और गली का साइज है 15 फुट। आपको बता दूं कि ये जो प्लॉट है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। इसका कारण यह है कि देखिए जब कभी भी हम किसी भी प्लॉट की बात करते हैं तो हम लोकेशन कहाँ से चेक करते हैं, मेन रोड से। और कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, वहाँ से आने जाने की जो सुविधा है उसको सबसे पहले देखा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेन रोड पर, मैंने आपको दिखा दिया कि मेन रोड सामने है और वहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था अभी, तो मेन रोड से यहाँ की जो दूरी है मात्र 100 मीटर की है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ फिर मैं प्लॉट का ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं इस गली में हमारा प्लॉट है जिसमें अभी सीवर का काम हुआ है, सीवर की पाइप डली है, ठीक है। और प्लॉट कौन सा अभी दिखाऊंगा आपको, इस गली में प्लॉट है और सामने देखिए, सामने जो आप देख रहे हैं ये मेन रोड वहाँ पर है, देख लीजिए गाड़ी आपको आते आते दिख रही होगी, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखिए ये मेन रोड है मुंडका कराला रोड और आप जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ की जो लोकेशन है वो है रानीखेड़ा भाग्य विहार। तो मेन रोड से मात्र चंद कदमों की दूरी पर और वहाँ चौक से बस स्टैंड की जो दूरी है वो है मात्र 100 मीटर की, यानी 100 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड भी है और 100 मीटर की दूरी पर आपका जो है क्या यहाँ पे मेन रोड भी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लोकेशन वाइज कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा है और सीधी जो रोड है वो आ रहा है यहाँ पर आपके प्लॉट के पास। और ये प्लॉट, ये जो आपका ये जो गली है ये प्लॉट पे जाती है और इसमें भी देखिए 200 गज का ही 3 साइड ओपन प्लॉट था, एक गली ये लगती थी, ठीक है बैक। तो 200 गज का ही 3 साइड ओपन प्लॉट था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। एक तो ये मेन रोड जो सीधा मेन रोड से रोड आ रहा है वो लग गया, दूसरी ये 15 फुट की गली लगती थी, सॉरी 2 साइड ओपन प्लॉट था, तो ये कॉर्नर का प्लॉट था, इसमें से ये सारा पहले से ऑलरेडी बिका हुआ है 150 गज के आसपास, उससे थोड़ा सा कम। और हमारा जो प्लॉट है वो यही इस दीवार के साथ में लगा हुआ है, जो बोरियां आपको दिख रही है रखी हुई उसके साथ वाला प्लॉट। आइए पास चलता हूँ और वहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस दिखा देता हूँ। डिस्टेंस क्या देखनी है, देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो 200 गज का प्लॉट था कॉर्नर का, इसी का ये पार्ट है लास्ट वाला, 15 फुट की गली में पड़ता है। और आप देख लीजिए यहाँ पर जो है कि ये सीवर इंस्टॉल हो चुके हैं, सीवर इंस्टॉल हो गए हैं, इसका काम पूरा हो गया है। और उन गलियों में जहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुए थे वहाँ देखिए अभी फ़िलहाल में ही काम हो रहा है। और ये LNT का बोर्ड रखा हुआ है सामने आपके और अब पिछली वाली गली में काम हो रहा है, ठीक है, उस तरफ आवाज़ भी आ रही होगी आपको बुलडोजर की। तो ये जो हमारा प्लॉट है वो ये वाला है, ये आप देख सकते हो इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ये जो DPC कर रखे किसी भाई ने, इनके साथ वाला आपका प्लॉट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 12.5 फुट की है और इसकी जो लंबाई है इसकी इस वाले प्लॉट की 36 फुट है। अभी मैंने खुद नापा है पहले फीते से ताकि आपको बताते वक्त कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसकी 36 फुट है और पीछे से ये प्लॉट थोड़ा कम गहरा है, तो इस वाले प्लॉट की जो आपकी गहराई पड़ेगी वो पड़ेगी 34.5 फुट की। तो 34.5 फुट की गहराई से
12.5 फुट का मत्था, लगभग 48 गज का प्लॉट, और ये प्लॉट आपके लिए रहने के लिए बेस्ट है। एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए कोने का एक प्लॉट छोड़ेंगे आप 150 गज का, उससे थोड़ा सा कम बिका हुआ है, तो एक प्लॉट मोटा मोटा 150 गज का छोड़ के दूसरा प्लॉट आपका हो जाएगा, और मेन रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। एक चीज और दिखा दूं कि यहाँ पर आकर ये गली ना बंद हो जाती है, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आके ये गली बंद हो जाती है, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लास्ट सीवर का पॉइंट लगा हुआ है, और वो 15 फुट की गली उस तरफ की है, वो वहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये दो गलियाँ एक साथ में अलाइनमेंट इनका सेम नहीं है, तो इसलिए दोनों गली अलग अलग बंद हो जाती है। उधर वाली गली आती है 40 फुट रोड से, इधर वाली गली आती है 20 फुट रोड से। तो लोकेशन के हिसाब से और कनेक्टिविटी के हिसाब से ये प्लॉट जो है आपका बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे है। तो अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब अलग अलग एंगल से आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। अब ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम सुविधाओं की बात करें, तो सुविधा के नाम पे यहाँ आपका जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी सीवर की। तो सीवर अब यहाँ पे लग ही चुका है, फंक्शनल होने में हो सकता है 1 साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि आपका सीवर का काम लगभग लगभग ये मान के चलिए 1 साल भर के अंदर पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो यकीन मानिए ये काम पूरा हो जाएगा अगले साल तक, क्योंकि वोट बैंक की जो राजनीति हमारे देश में, उसमें कुछ ना कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। तो चलिए हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर क्यों आओ और यहाँ पर प्लॉट क्यों लो, रुकते हैं एक मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ये आपकी JCB आ रही है, यही पीछे जो है कि सीवर का काम कर रही थी उस वाली गली में, इस वाली गली में इन्होंने जो है कि अभी फिनिश किया है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो है काम पूरा हो जाएगा, और जो मैं आपको डेडलाइन बता रहा हूँ 1 साल के आसपास की हो जाएगी इसमें, ऐसा हमारा मानना है। बाकी सरकारी काम में लेट लतीफी चलती है, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली की हर कॉलोनी में काम हो रहा है, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बजट की तो देखो कमी है नहीं, बजट सबको अलॉट किया गया है, बजट के अकॉर्डिंग काम भी हो रहा है, और जिस हिसाब से काम हो रहा है, जिस स्पीड से, उस स्पीड से हम ये कह सकते हैं 1 साल भर में चालू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, सुविधाओं की हम बात करें तो यहाँ पर भाई रोड है, नाली है, बिजली है, पानी है, और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आपकी अच्छी कनेक्टिविटी है। मेन रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको एक प्लॉट मिल जाएगा। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि भाई आप यहाँ पर, चलिए सुविधा तो ये पूरे भाग्य विहार में एक समान है, आप यहाँ पर प्लॉट ले क्यों, ये बात, ये प्रश्न सबसे पहला होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप प्लॉट लें तो क्यों लें, मैं उसका कारण बता देता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक इस तरफ, इधर, हाँ इस तरफ, ये देखिए इधर कर लेते हैं, ये वाली बिल्डिंग ये अभी बन रही है, और ये बिल्डिंग भी देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका भी, इसके अलावा इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ की जो लोकेशन है वो रहने के हिसाब से, रिहाइश के हिसाब से आप आइए, भाग्य विहार के हर पार्ट को देखिए, तो जो पार्ट बी है और सी है ये प्रीमियम पार्ट है, और डी भी जो है, तो बी सी डी भाग्य विहार में बी सी डी जो ब्लॉक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी साफ सुथरा एरिया है, अच्छी गलियां हैं, साफ गलियां हैं, लोकेशन अच्छी है, कनेक्टिविटी रोड से जो मेन रोड से है वो भी काफ़ी पास है। तो ये ए ब्लॉक हम छोड़ देते हैं, ए ब्लॉक सबसे पहले बसा था, वहाँ 25 गज के बहुत सारे प्लॉट हैं, छोटे प्लॉट बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत रिमोट एरिया हो जाता है। भाग्य विहार शुरू अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले से होता है, मुंडका जो रेलवे अंडर पास पार करते हैं आप, उसे थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये आपका शुरू हो जाता है भाग्य विहार, और वहाँ से लेकर मदनपुर चौक तक, तो मदनपुर चौक के पास का जो लेफ्ट राइट साइड में पूरा एरिया है वो आपका ए ब्लॉक पड़ता है। और वही कारण है कि वहाँ पे बहुत बहुत पहले बसावट हुई थी, तो भाई शुरू शुरू में जब कोई भी नई कॉलोनी कटती है तो वहाँ पे पहले गरीब आदमी ही आता है, वहाँ पे पहले छोटे तबके का आदमी ही आता है। छोटे तबके का मतलब ये है जिनका बजट कम है, जिनके पास कमाई कम है, वो पहले आते हैं। जब वो आ जाते हैं, कॉलोनी बस जाती है, सुविधाएं विकसित हो जाती हैं, तब शुरू होता है खेल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उसके बाद अपर क्लास का। तो यहाँ पर अब अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने एंट्री मार ली है, दिनों दिन जो है प्राइस बढ़ रहे हैं, दिनों दिन जो है कि प्रॉपर्टी खूब सेल हो रही है, और सबसे अच्छी बात इसलिए है यहाँ पर सेल जो हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है ना मुंडका का, वो मात्र यहाँ सामने से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको 2.5-3 बोलता हूँ ना, बी ब्लॉक से बोलता हूँ, सी ब्लॉक से आप लगा लीजिए अंदाजा, बस 2 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली का, दिल्ली मेट्रो का मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम है मुंडका मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों चलिए एक बार आपको ना प्लॉट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि यार ये पका रहा है खाली तभी से बात कर करके। आपको मैं सी ब्लॉक का सारा ओवरव्यू दिखाऊंगा, ओवरव्यू का मतलब है कि हर सी ब्लॉक की लगभग 5-10 गलियों को दिखा रहा हूँ। देखिए
फिर समझिए कि भाई लोकेशन कैसी है। ठीक है, यहाँ कचरा नहीं है, पहले बता दूं। ये लड़का बहुत उत्साहित हो रहा है, मैं इसको फ्रेम में ले लेता हूँ ताकि ये दिखे कि हाँ मैं यूट्यूब पे दिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे फैंस फॉलोइंग में सिर्फ बड़े लोग नहीं है, हमारे ऐसे बच्चे भी हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे 2-4-10 बच्चे हमारा चैनल खोल के देखते ही हैं। तो इसीलिए चलिए हम आपको जो है कि आसपास का माहौल दिखा देते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। लेना है तो मैं आपको बता दूं कि आप इंतजार करते हैं सबसे ज्यादा प्राइस बताने का। तो ये जो प्लॉट है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं सबसे पहले प्राइस बताने से पहले, कि यहाँ ज्यादातर 15 फुट की गलियां हैं। ये रोड जो मेन रोड से आ रहा है ये 20 फुट का है, जो हम इस तरफ से मैंने आपको दिखा दिया अभी, ये 20 फुट का रोड आ रहा है और 20 फुट के रोड से सारी गलियां 15 फुट की हैं। और सी ब्लॉक में ही अभी हम चलेंगे, आपको 40 फुट का भी रोड दिखाएंगे। 40 फुट के रोड से 15 फुट की गलियां, 20 फुट के रोड से 15 फुट की गलियां, फिर और भी 20 फुट के रोड हैं उनमें ही 15 फुट की गलियां हैं, फिर रानीखेड़ा चौक से जो अंदर जैन पब्लिक स्कूल पे रोड जा रहा है वो भी, उस रोड से भी जो गली आ रही है अंदर 15 फुट की गली आ रही है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे 15 फुट की ही गलियां हैं, जो मेन रोड है वो 20 फुट और 40 फुट के हैं। तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल प्राइस है सारा वो 25,000 रुपये गज से ऊपर है। 25,000 गज में 4 महीने पहले का रेट बता रहा हूँ, आज की डेट में यहाँ पे 26, 27, 28 और 30 तक का रेट है नॉर्मल प्लॉट्स का 15 फुट की गली में, क्योंकि लोकेशन अच्छी है और जेंट्री अच्छे हैं यहाँ पे, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, इसलिए ऐसा है। ये मत सोचिएगा मैं बस तारीफ कर रहा हूँ फालतू की, आप आइए एरिया घूमिए, विजिट करिए, लोगों से बात करिए, जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है जो मैंने कहा उसके अनुसार है तब प्लॉट लीजिए। और सिर्फ मेरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही लीजिए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ लीजिए। हाँ, अगर आए हैं हमारे फैंस हैं, हमारे जो है कि हमें फॉलो करते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जरूर मिलें, जरूर मिलेंगे आप भाई, बात व्यवहार बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ दे पाएँ जो इसमें तो हम नहीं बता पा रहे हैं लेकिन हमारे पास हो ऑलरेडी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप भाग्य बिहार आते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ। अगर कॉल मैं पिक ना कर पाऊँ, कभी होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं तो पिक नहीं कर पाते हैं या बिजी रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें। आई कन्फर्म यू दैट आई, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई बहुत सारी कॉल छूट जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज अगर आपने किया है तो मैं आपको या तो रिप्लाई करूँगा या फिर मैं आपको कॉल बैक करूँगा। तो बुरा ना माने जो भाई छूट जाते हैं, कॉल बैक कर लिया करूँगा, नहीं कर पाता हूँ तो मैसेज जरूर आपके लिए ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो इसका जो प्राइस होगा वो होगा मात्र 25,000 रुपये गज। जी, 4-5 महीने पहले का ही प्राइस हमने रखा है, क्योंकि ये प्लॉट भी 4-5 महीने पहले से ही हमारे पास है, और पहले से कह रहा हूँ सॉरी, क्योंकि 4-5 महीने पहले हमें रेट पता चला था तो हम इसी रेट में दिखा रहे हैं। तो 25,000 रुपये गज के हिसाब से आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपका कुछ मान सम्मान भी कर लेंगे उसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको बता दूं कि भाई यूट्यूबरों की कमी नहीं है, दुनिया भर के लोग यूट्यूब में आ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, शुरुआत प्रॉपर्टी लाइन में, जहां तक मुझे पता है दिल्ली में तो मैंने ही की है, प्रोफेशनली ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है ना वो मैंने ही शुरू किया है। मैं इसके लिए घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें। हमारे जितने भाई हैं नए उनको भी सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको ना देखें, उनको भी देखें, तभी तो चीज़ें और अच्छी पता चलेंगी। तो उनको भी देखें, उनको भी आगे बढ़ाएं, साथ में अपना प्यार हमें भी थोड़ा बहुत दें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।